नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको गोदरेज नूपुर हिना 100% प्योर हिना, ये जो मेहंदी है इसे बालों पर लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका रिव्यू देने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। गोदरेज नूपुर हिना, गोदरेज कंपनी हमारे देश की बहुत पुरानी कंपनी है। इन्होंने जो है नूपुर हिना, ये नूपुर मेहंदी आप इसे कह सकते हैं, ये जो है ये प्रोडक्ट बनाया हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने बहुत बार इस्तेमाल किया है, तो मैंने सोचा आपको इसे मैं बता दूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपके बाल जो है वो सफ़ेद हो गए हैं या फिर तभी आप ये जो है लगाएं। ये जो है अगर आप अपने बालों को कंडीशन करना चाहते हैं, शाइन करना चाहते हैं, तब आप इसे लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सफ़ेद बालों पर आप मेहंदी वगैरह लगाएं। हर 12 साल के ऊपर की जो है हर लड़के लड़कियाँ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सफ़ेद बाल होने पर ही मेहंदी बालों में लगाई जाए। आपके बाल कंडीशन हो, आपके बालों की हालत अगर ख़राब हो गई हो, आप अपने बालों को कंडीशन करना चाहते हो और बहुत ज़्यादा दिनों तक जो है मेहंदी जो है आपके बालों को कंडीशन करके रहती है, बहुत स्मूथ और मुलायम बनते हैं मेहंदी लगाने से बाल, और आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, आपके बाल जो है वो एक शाइन करने लगते हैं, तो लड़के लड़कियाँ दोनों ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए ये देखिए, इसका पीछे से इस तरह से यहाँ पर अंग्रेजी में पूरी जो है जानकारी दी हुई है कि इस तरह से लगाना है, क्या लगाना है। इसका जो वज़न है वो 25 ग्राम है, ये 15 रुपए की है। जी हाँ, ये 15 रुपए की है, 25 ग्राम है। अब इसे कैसे लगाना है वगैरह मैं सब कुछ आपको बता देती हूँ। इसे जो है आपको पानी में भिगो देना है 2 से 3 घंटे। उसमें आप थोड़ा सा ऑयल या फिर दही डाल सकते हैं अगर आपकी चॉइस हो तो। आप चाहे तो सिर्फ पानी में से भिगो कर 2-3 घंटे रख सकते हैं। उसके बाद जो है आपको इसे अपने बालों पर लगा लेना है 4 से 5 घंटों तक। अगर आपके बाल छोटे हो तो ये जल्दी सूख जाएगी, तो 2-3 घंटे में आप इसे धो सकते हो। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मैं आपको इसे खोल कर भी दिखा देती हूँ और किस तरह से इसे भिगोना है ये भी आपको बता देती हूँ। आप चाहे तो इसमें नींबू भी, आधा चम्मच नींबू भी इसमें निचोड़ सकते हैं। आपके बालों की अच्छी शाइन देगा, क्रूसी वगैरह जो भी आपके बालों में होगी उसे दूर हो जाएगी। मेरी तरफ से इस प्रोडक्ट के लिए बिग थम्स है, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मैं बहुत बार इसे इस्तेमाल कर चुकी हूँ अपने बालों को कंडीशन करने के लिए। मैं साल में जो है 1 से 2 बार मेहंदी अपने बालों में ज़रूर लगाती हूँ। मेरे बाल बहुत लंबे और अच्छे हैं, इसलिए क्योंकि मैं साल में 1 से 2 बार मेहंदी ज़रूर लगाती हूँ। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, मैं आपको बताती हूँ इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है और किस तरह से अपने बालों पर लगाना है। ये देखिए, इस तरह से हमें कांच की कटोरी ले लेनी है, मेहंदी इस तरह से भिगोनी है, ये मैं अब आपको बता देती हूँ। कांच की कटोरी ले सकते हैं या स्टील की कटोरी भी आप ले सकते हैं। यहाँ कांच की कटोरी है और स्टील की कटोरी, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। मैं कांच की कटोरी ले रही हूँ। इसमें जो है हमें मेहंदी को भिगोने के लिए रख देना है 2 से 3 घंटे के लिए। ये देखिए, ये मेहंदी का पूरा पैकेट मैं इसमें डाल रही हूँ। ये 15 रुपये का पैकेट है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और इसमें इन्होंने कोई भी जड़ी बूटी वगैरह और कुछ भी नहीं मिलाया हुआ है। ये सिर्फ मेहंदी है, प्योर हिना है, और कुछ भी इन्होंने जड़ी बूटी कुछ भी इन्होंने इसमें नहीं मिलाया हुआ है हमें। और अगर आपको लगे तो इसे आप छान लीजिएगा, लेकिन मुझे कोई छानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें इसे हाथों पर नहीं लगाना है, हमें इसे सिर के बालों पर ही लगाना है, तो मैंने इसे छानने की ज़रूरत नहीं समझी। बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की है, बिल्कुल साफ़ सुथरी है, कोई भी गाँठे वगैरह इसमें नहीं है, ये देख सकते हैं आप। अब मैं जो है इसमें नींबू का रस और दही डालने वाली हूँ, क्योंकि नींबू का रस हमारे बालों के लिए अच्छा होता है। नींबू के रस में विटामिन सी होता है, और मैं अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी गाँठे ना आए। मैं जो है चम्मच की सहायता से मिक्स कर लीजिए। आप चाहे तो हाथों की सहायता से भी इसे मिक्स करते हैं, लेकिन मिक्स करते वक्त हमारे हाथों को जो है कलर लगने लगता है, इसलिए जो है हम चम्मच की सहायता से भी मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास लकड़ी का चम्मच हो तो आप उसे भी मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छे से मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ, फिर आपको दिखा देती हूँ। ये थोड़ी ज़्यादा लग रही है कटोरी के हिसाब से, मैं दूसरे बर्तन में इसे डाल लेती हूँ। ये देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। वो कांच की कटोरी में वो जो है छोटा पड़ रहा था कांच की कटोरी, इसलिए मैंने बड़े स्टील की कटोरी में इसे डाल लिया। ये देखिए, अच्छे से मैंने जो है इसे मिक्स कर लिया। कोई भी गाँठी वगैरह इस पर हमें नहीं रहने दी है, और रंग भी आने लगा है। इस तरह के किसी ब्रश की सहायता से या फिर हाथों से भी आप लगा सकते हैं। अगर आप हाथों से लगाना चाहते हैं तो हाथों में दस्ताने पहन लीजिएगा, वरना हाथों में रंग आ जाएगा। मैंने जो है इसे 3 घंटे अच्छे से, इसको 3 घंटे जो है हमें ढककर रख देना है, और 3 घंटे बाद हमारे बालों पर लगाना है। ये देखिए, ये मेरे बाल है, ये हमारे मेरे बाल जो है बालों को कंडीशन करने के लिए मेरे लंबे बाल है, इसलिए मैंने पूरा पैकेट ले लिया है। अगर आपके छोटे बाल हैं तो आप इसमें से आधा पैकेट ले लीजिएगा। मेरे बाल बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं है, मेरे बाल का रंग जो है वो ब्लैक और ब्राउन है, ब्लैकिश ब्राउन मेरे बालों का रंग है, ये आप देख सकते हैं। ये इस तरह से जो है मैंने पूरे बालों पर मेहंदी लगा ली है, बालों को ऊपर तरह से मोड़ लिया है, आप देख सकते हैं। लड़के लड़के दोनों बालों में मेहंदी लगा सकते हैं। अच्छे से जो है हमारे बालों को जो है मेहंदी
कंडीशन करती है, बालों की ग्रोथ बढ़ाती है। रूसी डैंड्रफ वगैरह की समस्या हो, बाल जो है वो पूरे तरीके से रुक्ष हो गए हो, तो उसके लिए जो है मेहंदी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी वरदान मानी जाती है। मेरे बाल बड़े हैं इसलिए मुझे पूरा पैकेट लग गया। अगर आपके बाल छोटे हैं या आप लड़की इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसमें से आधा पैकेट आप ले लीजिएगा। ये देखिए पूरे नीचे तक मैंने लगाए हैं, वो कड़क हो गई है। 3-4 घंटे बाद मैं इसे अब धो लूँगी। ये देखिए धोने के बाद इस तरह कितने अच्छी तरीके से मेरे बालों को कलर आ गया है, मेरे बाल कितने सॉफ्ट और शाइनी लग रहे हैं। वीडियो में आप देख ही सकते हैं मेरे लंबे बाल हैं, ये देख सकते हैं आप कमर तक आते हैं। इतने लंबे बालों के लिए पूरा पैकेट लग जाएगा। ये देखिए किस तरह से बहुत अच्छे से शाइन आई है, गोल्डन कलर आया है, क्योंकि मेरे बाल ब्लैकिश ब्राउन है इसलिए मेरे बालों में धूप में जो है आपके बालों में ये सुनहरा गोल्डन रेडिश कलर आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही बेहतरीन इसका रंग रहता है। और साल में 2 बार या 1 बार भी आप मेहंदी लगाएंगे तो आपके बालों की हालत जो को अच्छी रहेगी, आपके बाल उलझेंगे नहीं, आपके बाल सॉफ्ट रहेंगे, आपके बाल जो है बहुत कम उलझेंगे। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।